मुबारक हो जी हाँ, 10 लाख से कम की इलेक्ट्रिक कार आ गई है बाजार में। 2-3 साल पहले अगर ये बात होती और बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर की अगर मानते तो शायद भारत में छोटी गाड़ियां इलेक्ट्रिक में नहीं आ सकती थी, लेकिन टाटा मोटर्स ने कर दिखाया, 10 लाख से छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी बाजार में आ गई है। इसका जो बेस वेरिएंट है उसकी कीमत है 8.5 लाख और इसका जो टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत जाती है करीब 11.5 लाख, यानी 8.5 से 11.5 लाख के बीच में एक गाड़ी आ गई। अब रेंज के बारे में, दो बैटरी पैक हैं जो यहां पर दिए गए हैं, एक 19 का एक 24 का, 250 की रेंज, 315 की रेंज, चलती कैसे है यही सबसे बड़ा सवाल, और इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इस गाड़ी को हम जो टेस्ट करने के लिए पहुंचे, गोवा पहुंचे, आजकल गोवा थोड़ा बदल गया है दोस्तों और तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर इस गाड़ी को हमने हाईवे पर भी चलाया, सिटी कम्यूटिंग में भी इस्तेमाल करके देखा, तो क्या इसमें फ़र्क है? दो जगह से हमने इसे कंपेयर करने की कोशिश करिए, एक वो गाड़ी जो कि इनके पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक जो मौजूद थी नेक्सॉन, और दूसरी इसका जो आइस काउंटर पार्ट है टियागो का। तो ये दोनों को हमने साथ हमने इसको कंपेयर करने की कोशिश करी है कि क्या अच्छा या क्या बुरा इस गाड़ी में। सबसे पहले तो नेक्सॉन से अगर मैं इसे कंपेयर करूँगा तो पहले रीजनरेटिव ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं। ये जो बटन है रीजनरेटिव ब्रेकिंग का, 3 अलग लेवल दिए गए हैं। अब नेक्सॉन में क्या होता है कि आपको ना एहसास होता है, आपको पता लगता है दैट हाउ द रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज वर्क, व्हेन यू टेक योर फुट आउट ऑफ द पेडल यू कैन फील द डिफरेंस, बट हियर इट सीम्स टू बी वेरी सटल, बहुत ही आपको बहुत ज़्यादा कोप अप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो या फिर हाईवे हो, कहीं पर भी आप इस्तेमाल करते हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे ऐसी कुछ, मैंने तीनों लेवल देख लिए हैं, मुझे ऐसा कुछ खास फर्क पर्सनली मुझे समझ में नहीं आया। उसी तरीके से अगर मैं इसके सस्पेंशन सेटअप की बात करूँ, ना पहले से ज़्यादा स्टिफ लग रहा है, क्योंकि डैम्पनिंग और उसमें जो चेंज किया गया है उसकी वजह से सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुका है। जब हमने इसे हाईवे पर 60 किलोमीटर के ऊपर की रफ्तार पर इसको दौड़ाया था तब वो जो जिटरी फील था ना वो महसूस हो रहा था अंदर। अब ज़्यादातर स्पीड ब्रेकर्स पे गाड़ी आराम से क्रूज करके, बैटरी पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है, और बैटरी पे भी इसमें यहाँ अच्छा खासा इंसुलेशन है जैसे कि हमने जब कंपनी से बात करी थी दिया गया है, और सस्पेंशन जो उसका 168 है शायद, आप जो बैंड्स में देख सकते हैं, तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी उम्दा है। रेंज जो है ना, जो रेंज क्लेम की गई है ना, अब हम शूट भी कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि हम जब ये रिव्यू आपसे शेयर कर रहे हैं तो हम इसको शूट भी करते हैं, तो शूट के लिहाज से हम कई सारी चीजें जो मैनूवर कर रहे हैं उस लिहाज से आइडियल ड्राइविंग कंडीशन जो होती है उस पर हम नहीं होते हैं। तब भी इसकी रेंज जो क्लेम करी गई ना, आई डाउट वो 250 की रेंज मुझे लग रहा है, बट आप 100 ऊपर नीचे मान लीजिए, जो 315 उसमें भी 100 कम कर लीजिए, जो 250 उसमें भी 100 कम कर लीजिए अगर आप ऑन ए सेफ साइड रहना चाहते हैं। सो दैट रेंज एंग्जाइटी इज गोइंग टू बी अ बिग बिग चैलेंज। गाड़ी की सस्पेंशन सेटिंग, राइड एंड हैंडलिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट इज अ प्रूवन कार, हाउस होल्ड नेम है, सभी चीजें इसमें मौजूद है। क्या वो गाड़ी में बदलाव है जो कि इसको, इसका जो आइस काउंटर पार्ट है यानी जो पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी है उससे क्या चीज़ अलहदा करती है या फिर अलग करती है? बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत छोटे मोटे फ़र्क हैं, और जब ये फ़र्क आप गिनते हैं ना तब ये मत कहना कि ये 3 लाख का इतना बड़ा फ़र्क है दोनों गाड़ियों के बीच में और अंदर तो कुछ ज़्यादा फ़र्क ही नहीं है। बैटरी बैटरी बैटरी, ये सारा खर्चा जो है ना वो वहीं का है। अंदर आपको क्या कुछ चीज़ें जो कि सिर्फ इस गाड़ी मिलेंगी, ये जो दो बटन आपको दिख रहे हैं, ये बैटरी वाला और ये रीजनरेटिव मोड वाला, ये जो दो बटन ऐसे हैं जो कि आपको इसमें आपके आइस काउंटर पार्ट से अलग मिलेंगे। इस बटन का इस्तेमाल आप करते हैं अगर आप अपनी रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग है उसको बदलना चाहते हैं। 3 टोटल मोड दिए गए हैं, 1, 2 और 3, और इसके अलावा ना ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे है इस पर भी कई सारी ऐसी जानकारियाँ दी गई हैं जो कि आपको गाड़ी चलाते वक्त काफ़ी इस्तेमाल में आ सकती हैं। और क्या है जो कि इसमें अलग है? ये यस, दिस इज़ ऑल्सो अ डिफरेंस, आपको वहाँ से अलग यहाँ पर एक स्पोर्ट मोड, आइस की जो गाड़ी है उसमें आपको स्पोर्ट मोड नहीं मिलेगा टियागो में, यहाँ पर आपको एक स्पोर्ट मोड का ऑप्शन भी मिलेगा। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। एक रियर को भी जांच लेते हैं क्योंकि काफ़ी लोग शॉफर ड्रिवन गाड़ी भी लेना पसंद करते हैं, पर जब हमने इसमें रियर पे सफ़र किया तो
ये समझा कि जब आप इतने पैसे दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो शायद एक आर्मरेस्ट की जगह बनती थी। सनरूफ शायद बहुत महंगा पड़ जाता, लेकिन एक आर्मरेस्ट अच्छा लगता, कुछ कप होल्डर होते, स्टोरेज के स्पेसेस का थोड़ी और व्यवस्था होती, कम से कम एक रियर एसी वेंट होता, जो कि बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा, जब हम एसी का एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रिक डिप है वो भी बहुत तेज़ी से होता, वो हमने महसूस किया। ये कुछ कमियाँ ज़रूर हैं, 3-4 लाख का गैप है, अगर ये कमियाँ भी पूरी हो जाती, बट ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड पैकेजिंग। और गाड़ी के अंदर आपको बड़ा सोफिस्टिकेटेड अच्छा महसूस होता है। ये जो कलर कॉम्बिनेशन आपने देखे हैं, ये आपको थोड़ा एयरी से लगते हैं, आपको सीटिंग पोजीशन आराम से मिल जाता है, फैब्रिक का अच्छा इस्तेमाल किया गया है, रियर पे भी मैं वही बात करूँगा, थाई सपोर्ट आपको अच्छा मिल रहा है, लेगरूम की कोई कमी नहीं है। सो ओवरऑल द कार इज़ वेरी वेल पैकेज एंड विद गुड म्यूजिक। टाटा मोटर्स वो कंपनी है जिसने मजबूर किया हम लोगों को सोचने पर कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, इससे पहले सिर्फ बातें हो रही थी कि 10 लाख के नीचे गाड़ी आ सकती है, हम एज ए फर्स्ट कार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें सोची जा रही थी, लेकिन टाटा मोटर्स ने करके दिखाया और ये गाड़ी उसका बहुत बड़ा सबूत है, और वो भी एक बिज़नेस को ध्यान में रखकर, क्योंकि ये बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये वही प्लेटफॉर्म है जो कि आपके आइस इंजन में, टियागो में मौजूद है। क्या पहली कार बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, लेकिन उसके लिए बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपके जो रोज़मर्रा की जो ड्राइव है ना, वो बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि रेंज जो है वो, जो एंग्जाइटी होती है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ आप वो 7.2 किलोवाट का जो एक चार्जर है, जो कि इस गाड़ी के साथ नया दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने ज़रूर है, लेकिन फ़ायदे का सौदा है। अगर आपके पास और ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं आपके आस पड़ोस में हैं, तो उनका भी भला हो सकता है, उसमें आपको 3-3.5 घंटे का समय लगता है। तो कुल मिलाकर टाटा मोटर्स ना, इंडियन कस्टमर्स को, उनकी ज़रूरतों को समझ रहा है, और बिज़नेस के लिहाज से भी वॉल्यूम्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है उस मामले में भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये कई सारे सेगमेंट में आसपास सेंध लगाएगी, कई सारे जो आइस के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके जो वॉल्यूम्स है उस पर डेंट लगा सकती है। पर हमारी राय है कि ये जो गणित है ना, इसका, इसको ज़रूर समझिएगा, और ये गणित हम आपको एक आइस इंजन के साथ भी बहुत जल्द समझाएंगे। जागरण हाईटेक के साथ बने रहिएगा, इस फैमिली को बढ़ाते रहिए। नमस्कार।